परा, हाँ? इतना महंगा ब्रेसलेट जरूर अम्मा ने खरीद कर दिया होगा। अम्मा ने नहीं दिलाया, मेरी एक सहेली ने गिफ्ट किया है। ऐसी कौन सी अमीर सहेली है जो इस तरीके से गिफ्ट बांटती फिर रही है? जरूर अम्मा ने दिलाया होगा और मना किया होगा कि मुझे मत बताना। अब जल्दी बताओ वरना अम्मा से जाकर पूछती हूँ। अरे बाबा अम्मा से ना पूछ लेना, अम्मा को नहीं दिखाया अभी मैंने। मैं बता दूं किसने दिया। अब चलो अम्मा बुला। रुको, जेस की लिस्ट भूल गई मैं। चलो चलो अब जल्दी करो। कहाँ, पहले ये तो पकड़ो। ये क्या है? जेस की लिस्ट। ये सब क्या लिखा है? एसी, बाइक, बहनों के लिए बुंदे, वहां के लिए कंगन, साड़ियां, ज्वेलरी, ये सब क्या फजूल लिखा हुआ है अम्मा? अरे तो ठीक तो लिखा है सब कुछ। ससुराली बहू से पहले जहेज का मुंह देखते हैं। ऐसा हो ना कि आपदा हमें कोई पुरानी सुरानी चीजें उठाकर दे दे। अरे भाई हमारी भी तो कोई इज्जत है, पूरा मोहल्ला के जहेज देखेगा। अम्मा मैंने कह दिया ना, सामान नहीं कैश चाहिए। चची ने जो बैंक में रखे है ना रामीन के नाम पे 12 लाख रुपए। 12 लाख के शुगर में लगाओगे क्या भाई? अब देखो चीजें आती हैं, पहनावनियां आती हैं, तो अच्छा लगता है। इन सब चीजों के बगैर शादी का फायदा? अम्मा समझा लो इसे, मेरा मजाक उड़ा रही है ये। अरे तुम बात ही मजाक उड़वाने वाली कर रहे हो ना। वो आपदा है, शक्ल से जितनी मिस्कीन है ना अंदर से इतनी ही तेज है। वो लिस्ट बना के दोगे तभी पैसा निकालेगी, वरना जो उसके पास है ना वो भी हजम कर जाएगी। अम्मा अगर लिस्ट देख के उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो? वैसे भी मुझे सामान नहीं कैश चाहिए। हेलो, वो रिश्ते से इनकार करेगी? अरे उसकी तो लॉटरी खुल गई। लॉटरी कैश में हमारा भी हिस्सा होगा वरना हम नहीं जाएंगे। अभी से इतने नखरे, अगर तुम दोनों को नहीं जाना ना तो ना जाओ, तुम दोनों के बगैर शादी हो सकती है। देख लिया अम्मा, अभी से बदल गया ये, शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं पहचानेगा। अरे कैसे नहीं पहचानेगा बेटा, अभी मैं जिंदा हूँ, पूरा पूरा हक लेके दूंगी दोनों का। चलो अब मुश्किल है जी।